साइकोलॉजिकल अनुसार जब एक पुरुष अमीर बनता है तो अधिक महिलाओं की कामना करता है, परंतु जब एक महिला धनी बनती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी शादी में 50 से ज़्यादा लोग खुश नहीं होते और मृत्यु में 20 से ज़्यादा लोग दुखी नहीं होते। बाकी लोग तो सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। स्त्री कभी भी घर के बाहर या घर के अंदर काम से नहीं थकती। वह थक जाती है पति या परिवार के किसी सदस्य की कड़वी बोली से, वह थक जाती है उन शब्दों से जो उनके लिए बोले जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ज़्यादा लोग यह सोचते हैं कि रिलेशनशिप में खूब मस्ती, मजाक और रोमांस होता है, जबकि सच यह है कि प्यार में सबसे ज़्यादा तकलीफ, दर्द और आंसू बहते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको एक समय में दो लोगों से प्यार है और स्थिति ऐसी है कि उनमें से आपको एक को छोड़ना है, तो पहले वाले को छोड़िए। यदि आप उसे सच में प्यार करते तो दूसरा आपकी ज़िंदगी में आता ही नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति अपने खाने की इच्छा और काम वासना को नियंत्रित कर सकता है, वह व्यक्ति दुनिया के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उसके लिए कुछ असंभव नहीं। दुख भरी स्थिति हमेशा शांत रहना चाहिए। पहले जब का कोई आपकी फीलिंग को आपके शब्दों से नहीं समझ पाए और दूसरी जब कोई आपके बिना कुछ बोले सब कुछ समझ जाए। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई महिला जब आपसे दुखी या गुस्सा नहीं होती तो आप गारंटी ले सकते हैं कि उसे अब आपकी कोई परवाह नहीं है। व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतुष्ट कर लेना चाहिए, चाहे वह खूबसूरत हो या साधारण, शिक्षित या अशिक्षित, उसकी पत्नी यही बड़ी बात है। साइकोलॉजी के अनुसार जिस लड़की का पहले से ही किसी की अफेयर हो तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह आपसे कभी खुलकर कोई भी बात नहीं करेगी, शादी के बाद भी आपसे नज़र नहीं चुराएगी। एक बात बताओ, जब एक ऐसा क्यों होता है जब टाइम पास करते हैं वह खुश रहते हैं और जो सच्चा प्यार करते हैं उनके पास गमों के ढेर लग जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार दुनिया में वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश रहता है जो यह जान चुका है दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।